नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन अफेयर के चैनल पे। आज हम बात करेंगे पुनर्जीवी खेती या रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। क्या है रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर और इसके बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है? रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर का मतलब है ऐसी खेती करना जो न केवल हमें फसल दे बल्कि मिट्टी, जल और पर्यावरण को भी पुनर्जीवित करती रहे। यह पारंपरिक खेती के विपरीत है जो अक्सर मिट्टी की उर्वरता को कम करती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। पारंपरिक खेती के कारण हमारे खेतों की मिट्टी धीरे धीरे अपनी उर्वरता खो रही है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, जल की कमी और अनियंत्रित खेती के तरीकों ने हमारी मिट्टी को बंजर बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार अगर यही स्थिति रही तो अगले 60 वर्षों में हमारी कृषि योग्य मिट्टी समाप्त हो जाएगी। यह न केवल हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए खतरनाक है बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी गंभीर चुनौती है। रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर इस समस्या का एक समाधान है। यह खेती की ऐसी पद्धतियां अपनाती है जो मिट्टी को पुनर्जीवित करती रहती है, जैव विविधता को बढ़ावा देती है और पर्यावरण को स्वस्थ बनाती है। कुछ प्रमुख रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर की पद्धतियां हैं, कवर क्रॉप्स उगाना जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे, फसल चक्रण यानी कि क्रॉप रोटेशन जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, जैविक खाद का उपयोग जिससे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है। जैविक खाद का उपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी जीवन मिलता है। न्यूनतम जुताई, नो टिल फार्मिंग जिससे मिट्टी का क्षरण कम होता है। रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर से न केवल मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है बल्कि किसानों की आय भी बढ़ती है। यह पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है क्योंकि इससे कार्बन का संचयन होता है और जल की बचत होती है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर की ओर कदम बढ़ाएं और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल ग्रीन अफेयर को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और जानकारी प्राप्त कर सकें, और अपने दोस्तों को भी बताइए रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में। आप सीखना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट में लिखिए इंटरेस्टेड। धन्यवाद।